हेलो एंड वेलकम टू बिहार नमन जीएस। बिहार नमन जीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप आचार्य। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है और कैसी स्ट्रेटजी बनानी होगी। मित्रों, सबसे पहले जो हमारा पेपर है फर्स्ट, उस फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति है। और ये जो पेपर है और ये जो सेक्शन है, इसके वेटेज काफी महत्वपूर्ण है और ये 114 अंक वेटेज लेके चलता है। इसीलिए इस सेक्शन को तैयार करना काफी जरूरत भी हो जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जिसको बिना डेप्थ नॉलेज के आप तैयार भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सेक्शन है अगला डिवाइडेशन, वो कला एवं संस्कृति का है। इसके अंतर्गत तो मौर्य कला, जो कि आप जान रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है और इससे बीपीएससी के लिए काफी हिट टॉपिक भी रहा है। पाल कला, पटना कला, मधुबनी पेंटिंग एवं बिहार की अन्य स्थानीय कला। ये जो बिहार की अन्य स्थानीय कला है, इसे स्टूडेंट्स के डिमांड पे इसको इंक्लूड किया गया है इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके आगे आधुनिक इतिहास भारत एवं बिहार, विशेष करके आधुनिक इतिहास जो है और उसमें जो बिहार का योगदान है, बिहार के लोगों का योगदान है, उन चीजों को हमें देखना होगा। और यहाँ आधुनिक बिहार का गठन, पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रेस, ये अच्छे टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। 1857 की क्रांति एवं कुंवर सिंह, आप जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति न केवल जीएस के लिए बल्कि ऑप्शनल के लिए भी काफी इंपोर्टेंट रहा है। विगत वर्षों में इन इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। किसान एवं मजदूर आंदोलन अच्छा टॉपिक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं किसान आंदोलन, इनको किसान आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके योगदान, इनके विचार आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, अब जैसे 1857 की क्रांति और कुंवर सिंह महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से हमारा चंपारण सत्याग्रह, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिट टॉपिक है बीपीएससी के लिए और इससे लगातार क्वेश्चन बनते रहे हैं। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन भी हमें देखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हमें देखना है। किंतु भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये काफी हिट टॉपिक है और इससे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफी बनती है। विशेष करके भारत के अंतर्गत जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें बिहार के योगदान, बिहार के महिलाओं का योगदान, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। ऐसे तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाएं टॉपिक है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन बनने की संभावना है। और जनजातीय विद्रोह, ये जो जनजातीय विद्रोह है, ये काफी हिट टॉपिक रहा है। इसमें संथाल, बिरसा मुंडा विद्रोह आदि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे आते हैं, हमारा सब सेक्शन है थर्ड, व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व का जो टॉपिक है, यहाँ से हमें लगभग प्रत्येक वर्ष एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें जो एक सिस्टम चलता आ रहा है, उसके तहत गांधी, नेहरू एवं टैगोर के विषय में, उसमें भी अगर हम ज्यादा देखें तो गांधी और नेहरू, और सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखें तो गांधी एक ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हर तरीके के क्वेश्चन बनते रहे हैं। स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन भी बनते रहे हैं, गांधी के विचारों पर आधारित क्वेश्चन बनते रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता पे क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो और इसके अलावा नेहरू पे भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं, ये डबल स्टार के अंतर्गत आ जाता है। टैगोर भी स्टार टॉपिक है इसके अंतर्गत। इसके अलावा विगत, अगर आप विगत 2 वर्षों के प्रश्न देखते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि जो भारत के अंतर्गत जो प्रचलित नेता हैं और जो बिहार से नेता हैं, भारत के अंतर्गत प्रचलित नेता जो बिहार से हैं, उस पे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ऐसे टॉपिक में हमारे पास जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर जो कि नेशनल है, और गांधी नेहरू टैगोर के समानांतर अंबेडकर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी अच्छे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किंतु राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह के बारे में आप देखेंगे तो न्यूज में भी कई बार बने रहते हैं। तो इस बार जो हमारा हिट टॉपिक है इसमें, वो कृष्ण सिंह हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। हालांकि पिछले बार जयप्रकाश नारायण के आपने देखे होंगे क्वेश्चन। इसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर तो जनरल है ही। तो इन चीजों को लेकर के हमें चलना है। तो आपसे आपको चाहिए कि इन चीजों को आप देख लें और एक या तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े,
और चाहें तो आप इसको अपने नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। इसके अलावा मित्रों मैं बता दूं कि अगर आप बुक को स्टडी करना चाहते हैं तो बिहार नमन जीएस का बिहार नमन पब्लिकेशन भी है, जिसमें आपको संगठित रूप से टॉपिक आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे सारे। और इसके अलावा जो अन्य बुक हैं जो मार्केट में प्रचलित रहे हैं उसमें इम्तियाज अहमद जी की पुस्तक है, केबीसी नैनो की पुस्तक है, वो भी अच्छी पुस्तक है, बट बिहार नमन की जो पुस्तक है उसमें आपको एक जगह सारी चीजें अरेंज मिलेगी। तो आइए लेके चलते हैं इन सारे टॉपिक को और देखते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी है। आगे हम जो टॉपिक आज करने वाले हैं उसमें हमारा व्यक्तित्व है, क्योंकि व्यक्तित्व पे आधारित जो है अभी हमारे वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब वगैरह पे जो मांग आ रही है उसमें व्यक्तित्व का ज्यादा मांग आया है, इसीलिए हम इसको व्यक्तित्व से तैयार करते हैं। तो चलिए लेते हैं क्लास। धन्यवाद।